नमस्कार दोस्तों, एग्जामसार्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि री 2020 के नोटिफिकेशन में इतनी ज़्यादा डिले क्यों हो रही है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस अपडेट में हमने आपको बताया था, शिक्षा विभाग ने री 2020 की फाइल निर्वाचन विभाग को अप्रूवल के लिए भेज दी थी। चूंकि प्रदेश में अभी निकाय चुनाव है तो आचार संहिता लगी हुई है और री 2020 की जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनमें कुछ स्पेशल कैटेगरी को पात्रता के जो अंक है उनमें छूट प्रदान की गई है और नियमों के मुताबिक री 2020 की भर्ती प्रक्रिया जो है वो आचार संहिता के अंतर्गत आती है। इसलिए निर्वाचन विभाग की पूर्व अनुमति विज्ञप्ति जारी करने से पहले ज़रूरी है। अब हुआ दोस्तों ऐसा कि निर्वाचन विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया की जो फाइल है उसमें कुछ आपत्तियों पर शिक्षा विभाग को लेटर लिख करके कहा कि आपके अधिकारी हमारे पास भेजें ताकि जो भी आपत्तियां हैं उनको दूर किया जा सके और उसके बाद फाइल को अप्रूव किया जा सके ताकि निर्वाचन विभाग अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दे। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी अधिकारी निर्वाचन विभाग के इस पत्र का जवाब नहीं दिया और ना ही कोई अधिकारी पहुंचा, जिसके बाद निर्वाचन विभाग ने जो री 2020 की फाइल थी उसको शिक्षा विभाग को वापस रिटर्न कर दी। दोस्तों, शिक्षा विभाग जो है सीधा सीधा सरकार के निर्देशों पे काम करता है, तो इसका मतलब यही है कि सरकार ने ही निर्वाचन विभाग के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि सरकार की मंशा सीधी सीधी है कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो या इसके लिए विज्ञप्ति जारी की जा सके। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारों के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों भर्ती प्रक्रियाओं को डिले किया जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है राजनीति। पहला तो ये होता है कि जितनी ज़्यादा भर्तियों को डिले किया जाएगा उतना ही सरकार के राजस्व में जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वृद्धि होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भर्ती समय पर पूरी हो जाती है तो उतनी ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां होती है और उतनी ज़्यादा सरकारों को जो है फिर सैलरी वगैरह देनी पड़ती है और भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराने में पूरा जो है एक तरीके से खर्च भी करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा एक राजनीतिक रीज़न ये होता है कि अगर 4 साल तक, 4 साढ़े 4 साल तक सरकार के द्वारा कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई जाती है या नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सकता है, तो 4.5 साल के बाद में जब चुनाव आते हैं तो चुनावों के वक्त एक साथ सभी भर्ती प्रक्रियाओं की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये सरकार जो है बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाएं ला रही है और बहुत सारी नौकरियां देने वाली है ताकि उनको वोट मिल सके। एक तरीके से भर्तियों का लॉलीपॉप दिया जा सकता है, जैसा कि 2018 में भी हमें देखने को मिला। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो है जैसे ही चुनाव आए उससे 6 महीने पहले, 1 साल पहले अचानक से भर्ती प्रक्रियाओं की घोषणाएं कर दी, लेकिन वो भर्ती प्रक्रियाएं आज तक पूरी नहीं हो सकी है। और अब जो नई सरकार है इसका भी यही मंशा है कि भर्तियों को आगे से आगे डिले किया जाए और एक तरीके से चुनावी लाभ लिया जाए। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, जो लेटेस्ट इनके ट्वीट हैं उनसे पूरा ये आप समझ सकते हैं कि इनका जो ध्यान है नगर निकाय जो चुनाव है इन पे लगा हुआ है, तो भर्ती प्रक्रियाओं पर इनकी कोई खास इच्छा नहीं है कि जल्दी से जल्दी हो सके। और वहीं इनका जो बयान है उसको भी आप देख सकते हैं कि जो निर्वाचन विभाग के द्वारा फाइल रिटर्न की गई है इसके बारे में शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा मंत्री जी है इनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भर्ती प्रक्रिया के बारे में इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मंत्री जी लगे हुए हैं नगर निकाय चुनावों में। तो दोस्तों, सरकारों की यही मंशा रहती है कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जा सके और युवाओं को नौकरी के नाम पर एक तरीके से लॉलीपॉप दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लिए जा सके। तो दोस्तों, अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है तो युवाओं को ही आवाज़ उठानी होगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको सोशल मीडिया पर जाकर के
ट्विटर पर जा कर के जो शिक्षा मंत्री है या सरकार के जितने भी ट्विटर हैंडल हैं इनको टैग कर कर के कोई ना कोई अभियान हर एक भर्ती प्रक्रिया के लिए चलाना ही होगा, तभी जा कर के सरकारें आगे बढ़ेंगी और भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कराने का उन पर दबाव होगा, वरना तो ये अपनी मनमर्जी करते ही रहेंगे। और इसी तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया है सरकार बदलने के साथ साथ बदलती जाएगी और डिले होता जाएगा। तो दोस्तों ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने जो हक है अपने अधिकारों के लिए डिमांड करते हैं। तो दोस्तों ये अभी के लिए इतनी अपडेट है, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपको हम ज़रूर देंगे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे जो आर्टिकल का लिंक है वहाँ पर जा कर के आप हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।